हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बॉम। इसे बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ग्रेट की हुई गाजर ली है, जिसे कि यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। हमारी गाजर बॉईल होती है जब तक हम यहाँ पर पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है फ्रेंड्स, देखिए। अब इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है, बॉईल गाजर ली है, चॉप किया हुआ ओनियन लिया है, कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉट लें और पॉट में ऑयल गरम करें, चॉप किया हुआ ओनियन डालें, ऑनियन जब हल्की ब्राउन हो जाए तो इसमें कटी हुई ग्रीन चिली डालें। उसके बाद बॉईल किया हुआ गाजर डालें। अच्छे से मिक्स करें। अब मैंने यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद ग्रेट किया हुआ पनीर यूज़ कर रही हूँ गाइस। ये सॉफ्ट होता है इसलिए इसे लास्ट में ही ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पर सोया सॉस ऐड करें। उसके बाद सॉस ऐड करें। आप यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं गाइस, वो ऑप्शनल है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड तैयार कर लिए हैं। अब ब्रेड को पानी में अच्छे से डिप करें दोनों साइड से। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करें जिससे इसके अंदर का पानी निकल जाए। अब इसकी इस तरीके से स्टफिंग करें। इसे हल्के हाथों से प्रेस करें। कुछ इस तरीके से
अब इसे अच्छे से कॉर्नफ्लावर से रैप करें। यहाँ पर मैंने सभी पनीर बॉम तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसे डीप फ्राई करें। अब इसे बीच बीच में चलाते रहें। हल्का ब्राउन होने के बाद फ्रेंड्स इन्हें आप एक प्लेट में निकालें। हमारी ये रेसिपी तैयार है फ्रेंड्स, देखिए कैसी लग रही है। ये काफ़ी क्रिस्पी है, ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।